अच्छा दो बातें, एक तो ये कि आपने कहा कि ये नॉन पॉलिटिकल बेसिस पे हैं, तो क्या प्योरली नॉन पॉलिटिकल है कि थोड़ा सा है कुछ कि नहीं पॉलिटिकल कनेक्शन भी होना? आपने जिक्र किया कि बीजेपी के खिलाफ जो है लोग कहते हैं कि एंटी मुस्लिम है, काउ विजिलेंटिज्म जो है आपको लग रहा है कि उनको पैट्रोनेज नहीं मिल रहा है? नहीं, कौन कर रहा है उनको? अलग अलग नहीं कर रही भारतीय जनता, क्या बीजेपी नहीं कर रही है? किसने बोला? क्या बीजेपी नहीं कर रही है? हाँ, जो जुनैद के मर्डरर्स थे, बाद में उनको एक सिटिंग जो लेजिस्लेचर थे उन्होंने उनको गार्लैंड डाल दिया, तो क्या वो गलत नहीं था? आपका मैंने कहीं पे देखा था, आपने उसमें बोला था कि मैं एक नेशनलिस्ट हूँ, मुसलमानों को लेके शक व शुभात है या इसमें पार्टिसिपेट? नहीं, मैं इन जनरल बोला, जब आप बोल रहे हैं कि मैं नेशनलिस्ट हूँ मुसलमान, उसका बोला जरूरत क्यों पड़ रहा है ये बोलने की? वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान लोन, कुपवाड़ा टाइम्स में आपका खैर मकदम है। क्योंकि हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि जो तिरंगा रैलीज़ हैं, मेरी माटी मेरे देश इस साल का थीम है और वो हर जगह पे चल रही हैं, इसी तरह से आज कुपवाड़ा टाउन हॉल में जो यहाँ पे जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था वो किया था सैल्यूट तिरंगा, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने किया था, उन्हीं के जो प्रेसिडेंट हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर साहिल। पहले तो आपका शुक्रिया सर हमारे सामने आने के लिए। अच्छा दो बातें, एक तो ये कि आपने कहा कि ये नॉन पॉलिटिकल बेसिस पे हैं, तो क्या प्योरली नॉन पॉलिटिकल है कि थोड़ा सा है कुछ कि नहीं पॉलिटिकल कनेक्शन भी होना चाहिए? ऐसा नहीं है, संगठन देखिए राष्ट्रवादी संगठन होता है तो वो राष्ट्र के हित के लिए काम करता है। अब कोई भी पॉलिटिकल संगठन उसको आपस में जोड़ ले, अपने साथ जोड़ ले, वो एक अलग बात है, लेकिन ये पॉलिटिकल नहीं है, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। आपने जिक्र किया कि बीजेपी के खिलाफ जो है लोग कहते हैं कि एंटी मुस्लिम है, बट एज सच है नहीं, जिक्र तो आपने जानबूझ के किया ना पॉलिटिक्स का बीजेपी का? नहीं नहीं, मैंने इसलिए किया कि जो सरकार आम 140 करोड़ देशवासियों के लिए काम कर रही है, कहीं ना कहीं ये नैरेटिव सेट किया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी देश के मुसलमानों के विरुद्ध चल रही है या देश के मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहते। तो काउ विजिलेंटिज्म जो है आपको लग रहा है कि उनको पैट्रोनेज नहीं मिल रहा है? नहीं नहीं, वो गलत है, जो गलत है वो गलत है। नहीं, बट उनको पैट्रोनेज तो मिल रहा है ना? देखिए, आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या पैट्रोनेज नहीं मिल रहा है जो काउ विजिलेंटिज्म? कौन कर रहा है उनको? अलग अलग भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी नहीं कर रही है? किसने बोला? क्या बीजेपी नहीं कर रही है? मैं बीजेपी पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता आपके मंच पे। अगर आप इस बात को जोर दे रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, कोई भी सरकार चुनी हुई, कोई भी विधायक, कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि उसके नाम पे कोई धब्बा लग जाए। हाँ, जो जुनैद के मर्डरर्स थे, बाद में उनको एक सिटिंग जो लेजिस्लेचर थे उन्होंने उनको गार्लैंड डाल दिया, तो क्या वो गलत नहीं था? नहीं, गलत था। हाँ, सरकार जो अगर सरकार इस तरह के काम करेगी तो गलत है, हम उसके साथ नहीं। हमारा काम सरकार को आईना दिखाना है, सरकार की नीतियों को लोगों तक पहुंचाना है। एनजीओ क्या काम करती है? एनजीओ यही काम करती है। अगर सरकार की कुछ नीतियाँ कहीं तक नहीं पहुँच रही है तो एनजीओ के द्वारा उन नीतियों को पहुँचाया जा सके। सरकार के अगर कुछ नेता या कुछ लोग गलत कर रहे हों तो उसको पूरी सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उनको सरकार संज्ञान में ले, जो गलत काम कर रहे हैं उनको सजा दे, कानून बैठा हुआ है, सारी चीज़ें बैठी हुई हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर के साथ चलते रहेंगे सारी चीज़ें। तिरंगा रैली जो आपका सैल्यूट तिरंगा जो ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिक पर्पसेस क्या है कि यू वांट टू लाइक अवेयरनेस फैलाई जाए अबाउट द तिरंगा, या फिर आप लोग साथ साथ और भी कुछ काम कर रहे हैं? नहीं नहीं, अवेयरनेस का काम है, दिलों को दिलों से जोड़ने का काम है, प्यार मोहब्बत का काम है, अमन चैन का काम है, एक दूसरे जम्मू कश्मीर को जिस तरीके जिस नज़रिए से लोग बाहर देख रहे हैं वो छवि जो है एक बार सुधारी जा सके कि जम्मू कश्मीर के लोग भी इस देश के जो है नागरिक हैं और जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है, ये संदेश हमें पूरी दुनिया तक पहुंचाना। तो इस तरह क्या सिर्फ जम्मू कश्मीर में आप लोग ने इस साल किया या फिर पहले कहीं दूसरे रियासतों में भी चल रहा है? ये हर रियासत हिंदुस्तान में बाहर भी चल रहा है, फॉरेन कंट्रीज में भी चल रहा है, इंडिया में भी चल रहा है, अपने देश में भी चल रहा है। ये बहुत बड़ा संगठन है और संगठन जो है अपने तरीके से हर जगह काम करता है। आपका मैंने कहीं पे देखा था, आपने उसमें बोला था कि मैं एक नेशनलिस्ट हूँ, जी, तो क्या आपको लग रहा है कि इतना कुछ कहने की जरूरत क्या पड़ रही है कि बीइंग अ मुस्लिम की मैं नेशनलिस्ट हूँ? अदरवाइज जो पैट्रियटिज्म है उसका तो कोई जिक्र करने की जरूरत भी नहीं है। नहीं, जरूरत नहीं है। कभी कहीं कहीं जगह ऐसे लोग आ जाते हैं जहाँ पे उनको ये बोलना पड़ता है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, आप भी हिंदुस्तानी हैं, आप भी हिंदुस्तान से मोहब्बत कीजिए, ये बोलना बहुत जरूरी है ताकि लोगों के दिलों में जो शक व शुभात अभी भी मौजूद हैं वो मुसलमानों को लेके शक व शुभात हैं या फिर आप कह रहे हैं इन जनरल किसी मतलब, पर्टिकुलर नहीं देखिए, हाँ, किसी पर्टिकुलर कौम का नहीं है, किसी पर्टिकुलर व्यक्तिगत का नहीं है, ये एक सामूहिक तिरंगा रैली चल रही है, इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मौजूद हुए हैं।
सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया। नहीं मैं मेन जनरल बोल रहा हूँ, जब आप बोल रहे हैं कि मैं नेशनलिस्ट मुसलमान हूँ, उसका बोला कि जरूरत क्यों पड़ रहा है ये बोलने की, मैं एक नेशनलिस्ट मुसलमान हूँ। इसमें क्या गलत है? अगर मैं अपने आप को एक देशभक्त मुसलमान कहता हूँ तो इसमें क्या गलत बात है? अगर मैं कह रहा हूँ जरूरत क्यों पड़ रही है बोलने की, क्यों जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों नहीं जरूरत पड़ेगी? मैं वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बीइंग अ मुस्लिम आपको जरूरत क्यों पड़ रही है? बीइंग अ मुस्लिम नहीं है ये एक नेशनलिस्ट कार्यक्रम है, देश के तिरंगे का कार्यक्रम है। तो देश का तिरंगा जो ओढ़ के चल रहा है तो वो एक कट्टर मुसलमान, कट्टर हिंदुस्तानी मुसलमान ही हो सकता है। तो बाकी लोग जो मुसलमान हैं और अगर वो हर रोज तिरंगा ना पहन के चले तो क्या उन पे कोई शक है? हर रोज नहीं है, जैसे हम लोग अपनी शादी में, घर के कार्यक्रमों में अपनी शादी का अरेंजमेंट करते हैं तो हमारे कुछ कार्यक्रम कार्ड में डिसाइडेड हो जाते हैं कि इस दिन ये है, ये है, तो हमारी 3 दिन की शादी होती है। तो इस पूरे देश में एक ऐसा माहौल तैयार किया जाए, एक शादी की तरह इस त्यौहार को मनाया जाए, कि जैसे 1 अगस्त से 15 अगस्त तक इसको एक त्यौहार की तरह मनाया जाए, देश के हर राज्य में मनाया जाए। तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? जम्मू कश्मीर भी अपना ही देश का राज्य, हटूट अंगे हिंदुस्तान, इसलिए यहाँ भी ये शुरुआत है। चलिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।